यहाँ पे बच्चे पटाखे, ए मेरे ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, अबे क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं प्रियंका आ गई नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। पूरे दिन हम लोग खाना खाते और सब कुछ करते, टाइम इतना बिजी शेड्यूल था कि दिवाली आने वाला है, साफ सफाई चल रहा था, ऐसे दिन निकल गया पता ही नहीं चला। पर अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मैं अपना शॉपिंग, दृष्टि का शॉपिंग, पतिदेव का शॉपिंग ऑनलाइन किए हैं, वो ऑनलाइन आएगा सब कुछ। पर अभी बाबू के लिए सामान सब खरीदना है, तो हम बाबू के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो था जो पसंद आया वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो हम अभी जा रहे हैं मार्केट से उनके लिए कुर्ती वगैरह जो पसंद आए उनको, हम वो लेने वाले हैं। तो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि उनको क्या पसंद आने वाला है। तो आज मेरा गौर आ गया दिल्ली से, क्योंकि मैं अपना गौर जो है डेली पूजा करते वक्त जो करती हूँ वो मैं दिल्ली में छोड़ आई थी। तो आज मेरा गौर फाइनली आ गया है, तो मैं इसको खोलने वाली हूँ। अब बहुत ताकत लग रहा है इसको खोलने में, क्योंकि कैसा पैक कर रखा है मुझे भी समझ में आ रहा है, हे भगवान। पर कोई बात नहीं, मुझे खोलना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मेरे गौर माता हैं पार्वती, तो इनको गौरी पूजा मैं करती हूँ डेली। तो मैंने फाइनली खोला है, पर इधर दृष्टि मुझे परेशान कर रही है पीछे से, पर मैंने खोल लिया। और ये है मेरा गौरी जिसको मैं डेली सुबह पूजा करती हूँ, मांग में सिंदूर लगाती हूँ। तो ये माता दी यहाँ पर दृष्टि पापा के साथ मस्ती कर रही है, पर हमें जो पंखा कर लिए थे तो पंखा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि घर में लग रही है गर्मी। तो ये मैकेनिक आ गए अपना पंखा लगाने के लिए और हम पंखा लगा रहे हैं। पर इधर हमारी दृष्टि जो है अपने पापा के गोदी में, आई लव यू बेटा। यहाँ पर बाबू मम्मी सब साथ में शॉपिंग करने जा रहे हैं। मम्मी का इतना बड़ा झोला हमेशा साथ में रहता है, बेचारी मम्मी कैसे टांगती है वो हमसे पूछो। अरे बाबू, आज बाबू हमारी मम्मी के साथ बहुत कम जाती हैं, आज मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। मजा आ रहा है? नहीं, जब बेइज्जती है। यहाँ पे बच्चे पटाखे, ए मेरे ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, अबे क्या है ये, इससे आवाज की वजह से सुसुप होते हैं लोग। यहाँ मार्केट में दिवाली जो आने वाला है उससे रिलेटेड यहाँ पे मार्केट लग चुका है, और हर चीज़ मिलता है यहाँ पे दिवाली का। और अभी से लग रहा है कि कितना सारा कुछ लगा रखे हैं, और एकदम पंडाल लगा लगा के दिवाली का सामान बेच रहे हैं। पिछला बार फिर भी इतना नहीं था, पिछली बार तो कुछ भी था। मेरे पीछे साइड में इतना सारा पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल रहा है पटाखे बच्चे से रिलेटेड। तो दूसरी इस बारी छोटी है, नेक्स्ट ईयर बोलेगी मामा मुझे भी पटाखे चाहिए, तो हम उसके लिए भी खरीदेंगे बंदूक अलग। यहाँ पे सब चला रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पटाखे का ही शॉप है, हर जगह पटाखे पटाखे पटाखे। हम लोगों ने बाबू के लिए शॉपिंग कर लिया, तो बाबू को हम लोगों ने बाबू के लिए हम लोगों ने खरीद लिया। कैसा लगा आपको आपका ड्रेस? मैंने लिया अपने पसंद का, अच्छा ही लगा होगा, मेरी पसंद खराब होती है। तो हम लोगों ने ले लिया फाइनली इनके लिए।
यहाँ से हम मछली खरीद रहे हैं और आज हम खाने वाले हैं मछली। मछली खाने वाले हैं हम आज। दस रुपए के इनको ये ले। एक सौ अस्सी से एक सौ अस्सी नब्बे नब्बे सब्जी बेचते हैं इधर क्या सब्जी वाले ही है हम लोग की सब्जी वाले हैं। ये दस रुपए चलो 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 हम लोग कह रहे दिवाली का शॉपिंग बहुत ज़्यादा ही हमें समझ नहीं आ रहा हम बस उठाते जा रहे हैं। बाबू अब क्या क्या बाकी रह गया आपका दिया ओल खमाल कोती कोती कम कोती बाकी रह गया मम्मी कोती बाकी रह गया ओल और खमाल ये क्या हुई छे अरे यहाँ चलो इस दुकान में हाँ पापा हाँ हाँ अच्छा है भाई डाल दो मुझे लगा कवर का अलग से पैसा बाबू ये किसे है ये 50 से 60 है। अरे लोगों ने जल्दी कर लो एक पैंट का वो लेने में इतना टाइम कौन लगाता है इतने देर में तो मेरा कपड़ा आ गया था। बोला ना क्या बोला तुमने नाम सुपारी नहीं क्या नाम बोला जोंगी जोंगी ले ये भी तुम्हारा ही है पैसा यहाँ पे हम लोग इतना शॉपिंग कर ले कि मम्मी होपलेस हो रही है ऐसे 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 कर रही होगी उनको चोट भी लगा पर हम लोग अभी मार्केट में है ही दुकान से चली गई हमें लगा मम्मी अभी एक दुकान से चली गई हमें लगा दुकान वाले ने कुछ बोला बाबू बोलते हैं बोलो मम्मी क्या बोल रहे हम बोल के पर बाबू कहीं मौका नहीं मिल पाया मुंह नहीं फोड़ पाए सो सैड मोड़ने का मन कर रहा है किसी को मम्मी बाबू को किसी का मन कर रहा है फोड़ने का मौका दीजिए पटक्का फोड़ पटक्का फोड़ मैंने कुल्फी खाया कुल्फी हम लोगों ने खरीदा खाया कहाँ इधर 1 2 3 चीयर्स कुल्फी ये लड़के को पिलाओ चीयर्स कराना तो जूस पिलाओ पूरा सुनो तो मतलब कुछ भी ना बकवास यहाँ पर बाबू खा रही है गोलगप्पा अंकल बना के दे रहे हैं हम यहाँ से ये हमेशा यहीं से खाती हैं बाबू मुंह दिखाओ अब खाओ तो हमारे हिसाब ये कहा था कि 500 मनी के एस्टिमेट हम सब लेके चली और वही में 700-800 कह दी हाँ हाँ और 3 मनी रहा गया। आज आ रहे पापा जी हमारे काफ़ी दिन बाद 4-5 दिन बाद तो मम्मी पापा जी के लिए बना रही हैं मछली यहाँ पे इतना सारा मछली पापा के लिए स्पेस लिया इधर खाना बन चुका है इधर बाबू अपने भैया के लिए कुर्ता प्रेस कर रहे हैं कि कल ये ऑफिस जाएंगे ट्रेडिशनल पहन के और हम लोग बहुत सारे शॉपिंग करके लाए हैं इसके अंदर है और इधर है क्या क्या लेके आए मेरा कपड़ा हाँ इनका कपड़ा स्पेशली वो दिवाली के दिन देखने को मिलेगा है ना नहीं क्या हो गया नहीं। इनको कल ऑफिस जाना है अभी बियर्ड बनाए अब बनाने वाले ये है अब ये अभी हजमा का भी काम करने लगे हैं मम्मा क्या वो मम्मा अभी नहीं बाद में दवाई खिलाती हैं हाँ अभी तो आपको ही तो कर मम्मी कुछ काम कर रही इसलिए मम्मी काम नहीं कर रही यहाँ नहीं लगी लगा पहन के रेडी है और लुक बंगाली डिश लग रहा है आज वाला क्योंकि हम लोग ने सरसों नहीं दिया पर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में मम्मी पापा लेके आए काजू कतली मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ छह है आपके पास एक तो दे दो पति को इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए आप लोग कमेंट से लाइक करना मत भूलिए जो नया है वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें बाय बाय गुड नाइट एंड थैंक यू।